नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की सबसे बड़ी और आम खबर में। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी और आम खबर इस वक्त की निकलेगी सामने आ रही सीबीएसई बोर्ड 2023 से जुड़ी हुई। जी हां, आप सभी को बता दें सीबीएसई बोर्ड को लेकर अभी भी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया गया। आप सभी को ज्ञात रहेगा कि 12 मई 2023 को काफी लंबे वक्त के इंतजार के बाद में सीबीएसई का रिजल्ट जारी कर दिया गया था, जिसमें काफी सारी खामियां पाई गई, जिसमें 10वीं का रिजल्ट है 93% और 12वीं की बात करें तो 87% रहा था और 13% छात्र इस बार फेल हो चुके थे और इन्हीं को लेकर सरकार की तरफ से इस वक्त की बड़ी घोषणा हो चुकी है। इसके अलावा काफी सारे छात्रों का ये भी कहना था कि उन्होंने जो आंसर जो क्वेश्चन थे उनके आंसर पूरे दिए थे, लेकिन उनमें उनको 0 नंबर बने हैं और जिनके अनुसार उनके नंबर आने थे उतने नंबर इस बार नहीं आ पाए हैं। तो इसमें सीबीएसई ने माना है अपनी गलती और इसको लेकर एक मौका दिया सभी छात्रों को कि आप सभी का रिजल्ट फिर से दोबारा जारी किया जाएगा। जिनका भी रिजल्ट आ चुका है उनका भी दोबारा फिर से जारी किया जाएगा और फिर से आप सभी का रिजल्ट है वो एक बार फिर से चेकिंग किया जाएगा, उसके बाद में फिर से एकदम संतुलन बनाकर ही आपका रिजल्ट वो जारी किया जाएगा। ये सरकार की तरफ से इस वक्त बड़ा ऐलान हो चुका है। इन सभी पर आप सभी लाल क्या रहा है, क्या रिजल्ट आना चाहिए दोबारा या फिर नहीं आना चाहिए, इसके बारे में येस और नो का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।